स्तर के अंदर कोई लाइब्रेरी नहीं है और यहाँ के सभी, एक लाइब्रेरी सरसपुर के अंदर है वो गुजरात यूनिवर्सिटी से है, एक कॉरपोरेशन की लाइब्रेरी रखियाल के अंदर है वहाँ पर भी बिस्मार हालत के अंदर बंद पड़ी है। तो ये सोच के हमारी एनजीओ महामानव सेवा ट्रस्ट द्वारा हमने जो काम चालू कर दिया है इसके अंदर यूपीएससी जीपीएससी क्लास 3 पीएसआई कॉन्स्टेबल सबकी तैयारी महामानव सेवा ट्रस्ट लाइब्रेरी करवाती है और लाइब्रेरी के यहाँ बहुत ज़रूरत है। जहाँ बापू नगर एरिया यानी सब भारत के कोई राज्य ऐसा नहीं है कि बापू नगर के अंदर ना हो, उसके अंदर लाइब्रेरी की स्लम विस्तार के अंदर बहुत ज़रूरत है गरीब पीड़ित और शोषित वर्ग के लिए। और यहाँ एक लाइब्रेरी जो कॉरपोरेशन बनवा सकती है तो ठीक है, वरना हमको महामानव एनजीओ को जो जगह जहाँ भी देवे वो वहाँ हम लाइब्रेरी बनवा सकते हैं, जो जिसके हिसाब से हमारा जो मंथली 25-30 हज़ार का खर्चा है वो भी बच जावे। और सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि हमकी थोड़ी बहुत जगह दे और वो जगह के अंदर हम लाइब्रेरी जीपीएससी यूपीएससी क्लास और सेंटर बना सके आईपीएस आईएएस का। यहाँ बापूनगर में कई सालों से लाइब्रेरी नहीं है। बापूनगर के अंदर गरीब पीड़ित शोषित वर्ग रहते हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के लड़के आईएएस भी बन सकते हैं आईपीएस भी बन सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ाई के लिए खर्चा नहीं है और पढ़ाई के लिए वो कोई जगह नहीं है, उसके लिए हमने एक लाइब्रेरी बनाया। कोई दिन से हम सोच रहे थे, बोले यहाँ के बापूनगर के अंदर उन लोग बड़े लड़के को क्या करें। फिर हमने एक महामानव सेवा संस्था का निर्माण किया और ये एनजीओ के नक्की करके हम एक समूह लग्न के आयोजन किए। समूह लग्न के आयोजन के बाद दूसरा समूह लग्न किया, फिर कोरोना काल आया उस टाइम पे हमने लाइब्रेरी बनाया। लाइब्रेरी अभी हम यहाँ बापूनगर के अंदर किराए पर लिया है जगह, और जगह किराए पर लेके हमारे एनजीओ ने, हमारी संस्था ने किराए पे लेके सब लड़के को यह पढ़ाई चालू किया है। हमारे यहाँ फैकल्टी भी आते हैं और फैकल्टी दर एक सब्जेक्ट के आते हैं, सबको पढ़ाते हैं आईएएस आईपीएस ईपीओ से जीपीएससी यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं हमारे यहाँ लड़के, और क्लास 1, 2, 3 सब चलता है यहाँ, सब पढ़ाई चल रही है। यहाँ के बापूनगर के विस्तार के अंदर श्रम विस्तार रहते हैं, गरीब पीड़ित शोषित वर्ग रहते हैं, तो यहाँ की सरकार बापूनगर के यहाँ के कोई देखते नहीं है, क्योंकि गरीब पीड़ित शोषित लोग रहते हैं। पूर्व स्तर के अंदर कोई धनवान रहते नहीं है, उसकी वजह से यहाँ कोई पढ़ाई के लिए कोई जगह नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, कहीं कोई सगवड़ नहीं मिलती। उसकी वजह से हमने नक्की किया कि यहाँ लाइब्रेरी चालू करी, लाइब्रेरी चालू किया। हमारे यहाँ म्यूनसिपलिटी स्कूल है उसको भी हमने दत्तक लिया है। यहाँ पे हमारा बाजू में आंगनबाड़ी चल रही है, उसको कुपोषित बालिकों को भी हमने दत्तक लिया है। महामानव सेवा ट्रस्ट कोरोना के काल में यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, मजदूरी का दो टाइम खाने, मजदूरी करके दो टाइम खाना खाते थे, उन लोग कोरोना का काल में 2 महीने कोई काम नहीं कर सकते, उसको घर में खाना भी नहीं था। उस टाइम ने हमने नक्की कर दिया कि 2 टाइम हमारी संस्था खाना देगी। अभी हम महामानव सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित जिस लाइब्रेरी में आए हैं, हमारे साथ जो यहाँ के विद्यार्थी यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें किस तरह की यहाँ पर सुविधाएं मिल रही हैं, पढ़ाई में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर क्या आ रहा है, उसके बारे में है यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनके साथ हम बातचीत करेंगे। मैं आई थिंक यहाँ से 1 साल से यहाँ पे महामानव लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल में किया था 2019 में, उसके बाद मैं 2 साल से कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहा हूँ इसके लिए। तब बाद के एग्जाम से मैं रेलवे की जो भी 2021 में ली हुई, उसमें भी बिहार में कॉम्पाउंड बार आए तो वो भी कैंसिल की है अभी। उसके बाद 2-3 एग्जाम मैंने दी थी हेड क्लर्क जैसे, उसमें भी कॉमन बाया है। आगे बहुत एग्जाम मैंने दिए जिसके प्रीलिम्स क्लियर हुए, लेकिन मैथ्स में बाकी रह गया। और अभी जो कांस्टेबल की एग्ज़ाम आई है, पीएसआई की एग्ज़ाम आई है और सचिवालय की पहले कैंसिल हुई है एग्ज़ाम जो पेपर फूटने से हुई है, तो अभी जो भी एग्ज़ाम आ रही है उसमें अच्छी तरह से एग्ज़ाम ली जाए और पेपर ना फूटे उसकी तकेदारी जो सरकार रखे तो अच्छा है, क्योंकि हम बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, वो लोग सारे तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे और उनके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, तो पेपर ना फूटे उसकी सरकार तकेदारी रखे वो अच्छा है। हेड क्लर्क का भी पेपर फूटा था, फिर आगे बिन सचिवालय 2019 में ली गई थी उसका भी पेपर फूटा था, अभी बिन सचिवालय आ रही है और हेड क्लर्क भी आ रही है, तो उनका भी ना फूटे और आगे वाली जो एग्ज़ाम है
वो भी तकेदारी से ले जाए। सर सुबह में 8 बजे आता हूँ, रात को 8 बजे जाता हूँ, रोज़ की 12 घंटे की बढ़ाई रहती है, पर फिर भी बढ़ाई करते हैं। जब आखिरी बार एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि पेपर लीक हो गया, तो इससे हमारा मोटिवेट भी बहुत लो जा रहा है और पता नहीं चला क्या करें, जॉब करें या ना करें। तो उसके बारे में मैं कहना है कि यह सब होना नहीं चाहिए। महामानव सेवा लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी है, यहाँ की सगवड़ भी बहुत ही अच्छी है। मैं अभी UPSC की तैयारी चालू है मेरी, लास्ट दो साल हो गए मेरी इस तैयारी के। मुझे यहाँ पे सेफ्टी भी फील हुआ और जो भी सगवड़ मिलनी चाहिए वो भी यहाँ पे मिली। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से अपील करूँगा कि कम से कम इस विस्तार के अंदर एक अद्यतन लाइब्रेरी की शुरुआत की जाए, जिससे यहाँ के गरीब और स्लम से आने वाले बच्चे पढ़े और अपना सपना पूरा कर सके। कैमरामैन संजय परमार के साथ केशव मिश्रा, पंचायत TV अहमदाबाद।